लेकिन तुमने अभी तक सामना नहीं किया है टफेस्ट ऑफ ऑल टाइम जॉन सीना का। गेमिंग नेवर डाई बिकॉज यू वॉचिंग बेस्ट गेमिंग चैनल इन द वर्ल्ड एंड्रो वर्ल्ड। वेलकम टू रेसलमेनिया एंड्रो, और कैसे हो तुम? और यहाँ पे देखो वन सेकेंड, ऑस्टिन थ्योरी यहाँ क्या कर रहा है? इनका तो कोई मैच भी नहीं है यहाँ पे रेसलमेनिया 39 में। ऑस्टिन थ्योरी का एक भी मैच नहीं है, फिर भी ये बंदा समय वेस्ट करने यहाँ क्या कर रहा है? फारू तुम बिल्कुल भी इस तरह से नहीं कह सकते। ऑस्टिन थ्योरी मेरे सबसे ज्यादा फेवरेट सुपरस्टार है। ये बंदा हर किसी को हरा सकता है, और हाँ ये हर किसी को हरा सकता है। रेसलमेनिया एक बिग स्टेज, लेकिन इस बिग स्टेज पे मेरे जैसे बिग रेसलर का एक भी मैच नहीं है। ऐसा क्यों? क्या मेरे पास हसल नहीं है? क्या रॉयल्टी नहीं है? और रिस्पेक्ट तो तुम मुझे करते नहीं। लेकिन अगर आज इस जगह पर मेरा मैच होता और मैं हराता उस सुपरस्टार को जो मेरे सामने होता, तो रिस्पेक्ट भी आप मुझे करते। आज मैं वो बंदा हूँ जिसने फेस किया ब्रॉक लेसनर को, मैंने हराया एज को, सेथ रॉलिंस को, बॉबी लैशली को, ना जाने कितने बार। हर समय मैंने खुद को प्रूव किया, लेकिन मुझे किसी ने भी रिस्पेक्ट नहीं दी जिसका मैं सबसे बड़ा हकदार हूँ। मैं बना मनी इन द बैंक विनर, और यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप अभी भी मेरे कंधों पर है। इतना सब कुछ हासिल करने के बावजूद भी मुझे रेसलमेनिया में एक मैच तक नहीं मिला। क्या मैं ये समझ जाऊँ कि ऑस्टिन थ्योरी द ग्रेट के सामने खड़े रहने की किसी भी सुपरस्टार के अंदर हिम्मत नहीं है? और अगर है तो मैं रखता हूँ अभी US टाइटल ओपन चैलेंज। डियर ऑस्टिन थ्योरी, US चैलेंज स्टार्ट्स नाउ, एंड इफ यू वांट सम कम गेट सम। क्या लगता है एंड्रू, कौन वन सेकेंड ओपन चैलेंज का जवाब देने यहाँ पर? और कौन नहीं, सी नेशन लीडर जॉन सीना रेसलमेनिया हॉलीवुड में पधार रहे हैं। ये खतरे का संकेत है भाई ऑस्टिन थ्योरी के लिए। फारू एंड्रू भाई चैलेंज तो कर दिया है यहाँ पर ऑस्टिन थ्योरी ने, एक ओपन चैलेंज लग दिया। ट्रिपल एच ने कोई भी मैच सेट नहीं किया था, कोई भी अपोनेंट नहीं था ऑस्टिन थ्योरी के लिए रेसलमेनिया 39 के लिए, लेकिन ऑस्टिन थ्योरी खुद ही बाहर आए और बहुत बड़ी बड़ी बातें की और US ओपन चैलेंज यहाँ पर रख दिया है। उसका जवाब देने अमेरिका के असली हीरो आ चुके हैं। जी हाँ, जॉन सीना इज हीरो ब्रदर। फानू मुझे तो लग रहा था कि जॉन सीना इस बार रेसलमेनिया 39 को पूरा मिस करने वाले हैं, लेकिन हाँ समय निकाल लिया और ये यहाँ पर है भाई। जॉन सीना आ चुके हैं रेसलमेनिया 39 में, और हाँ ऑस्टिन थ्योरी के अगले चैलेंजर हो सकते हैं ये। रेसलमेनिया बिना सीना के? हाँ एंड्रो, सोचना भी नहीं, सीना कभी ना कभी कैसे ना कैसे समय निकाल के आ ही जाते हैं, और हाँ वो आ चुके हैं ऑस्टिन थ्योरी के यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के चैलेंज का जवाब देने के लिए। सरप्राइज, ओ हॉलीवुड, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ कैसे आ गया, पर तुम्हें बता दूं कि मैं बस यहीं से गुजर रहा था स्टेडियम के सामने से, और मुझे किसी की एक भद्दी सी आवाज सुनाई आई और उसने कहा कि इफ यू वांट सम कम गेट सम, और हाँ मैं आ गया उस चीज को लेने जो कि इस कंधे पे लटक रही है। तो बच्चे अब ये टाइटल देने का समय आ गया है US के असली हीरो को, तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ तुम्हारा चैलेंज फॉर यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। वेल जॉन जॉन जॉन, मैंने ये ओपन चैलेंज न्यू सुपरस्टार्स के लिए रखा था, मैंने उसके लिए नहीं रखा था जो कई बार टाइटल को जीत चुका है। मैं चाहता हूँ कि न्यू सुपरस्टार्स को मौका मिले, लाइक जेम्स एल्सवर्थ या फिर जेवियर वुड या फिर अदर सुपरस्टार लाइक द मीज। मैं तुम्हें बिल्कुल भी इस चैलेंज के रूप में नहीं देखता हूँ, मैं चैलेंजर के रूप में तुम्हें बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं न्यू सुपरस्टार्स के लिए इस चैलेंज को रखा है, ना कि उसके लिए जो कि कभी यहाँ रहता ही नहीं है या फिर कभी कभी दिखाई देता है और बस जो सिर्फ WWE में पैसों के लिए काम करता है, ना कि अपने फैंस के लिए। फैंस की बातें तो छोड़ दे, पर मैंने ये सुना था कि कोई खुद को अभी कह रहा था ग्रेटेस्ट रेसलर ऑफ ऑल टाइम, तो भले तुम मैच को हरा चुके हो, भले हो तुम सेथ रॉलिंस को हरा चुके हो, भले तुम बॉबी लैशली को हरा चुके हो, भले तुमने सामना किया है द बीस्ट इनकॉर्नेट ब्रॉक लेसनर का, लेकिन तुमने अभी तक सामना नहीं किया है टफेस्ट ऑफ ऑल टाइम जॉन सीना का।
तो बेबी रेडी हो जाओ और प्लीज बचना बंद करो और बहाने छोड़ो कि न्यू रेसलर्स को मौका देना चाहते हो। तुम्हारा डर तुम्हारे चेहरे पे साफ दिखाई दे रहा है। अगर तुम्हें डर नहीं लगता तो अभी एक्सेप्ट करो मेरा चैलेंज फॉर US टाइटल के लिए। तो सब बहाने छोड़ो और अपनी रिस्पेक्ट के लिए, अपनी रिस्पेक्ट को अर्न करने के लिए तुम्हें मुझे हराना होगा। और अगर तुम कहते हो खुद को ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम लेकिन तुम भागे मुझसे, तो तुम होगी ग्रेटेस्ट लूजर ऑफ ऑल टाइम। कम ऑन थ्योरी, यू कैन डू इट ब्रदर। तुम्हें लगता है कि तुम जैसों से मैं डरता हूँ? बिल्कुल भी नहीं। ओके ठीक है, रेफरी अनाउंसर ऑफिशियल करो इस मैच को अभी के अभी और मैं दिखाऊंगा कि मैं हूँ ग्रेटेस्ट रेसलर ऑफ ऑल टाइम, दी ऑस्टन थ्योरी। Introducing the challenger from West Newbury, Massachusetts, weighing in at 251 pounds, John Cena! And introducing the champion from Atlanta, Georgia, weighing in at 220 pounds, he is the WWE United States Champion! Austin Theory! ये मैंने पहली बार देखा है कि किसी ने चैलेंज रखा है और खुद ही उस चैलेंज को करने से डर रहा है। तो मैच पर फाइनली यहाँ पर स्टार्ट हो गया, ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस जॉन सीना, रेसलमेनिया 39 यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप मैच स्टार्ट हो चुका है। सीना ने स्टार्टिंग में ही दे दिया ऑस्टिन थ्योरी को ए, क्या ये मैच कुछ सेकेंड चलने वाला है? 1 सेकेंड किक आउट कर दिया। भैया ऑस्टिन थ्योरी में दम है, कुछ भी कह लो पर हाँ जीतेंगे तो जॉन सीना ही। भानु, जॉन सीना भले ही अभी ऑस्टिन थ्योरी की पिटाई कर रहे हैं लेकिन तुम बिल्कुल भी अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते ऑस्टिन थ्योरी को। बंदा 2-time यूनाइटेड स्टेट चैंपियन है, उसने मनी इन द बैंक जीता है, उसने हराया है सेथ रॉलिंस को ना जाने कितने बार, बॉबी लैशली को हराया है, उसने हराया है रेडी रॉक सुपरस्टार एज को, और 1 सेकेंड जॉन सीना ने को सनसेट ड्रिल पावर बम दिया पिन कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर एक पर ही किक आउट कर दिया। ऑस्टिन थ्योरी अच्छा खेल रहे हैं, बस थोड़ा सा ओके फाइट बैक कर रहा है ऑस्टिन थ्योरी ने। तो जैसे कि मैं कह रहा था कि ऑस्टिन थ्योरी इस मैच को जीत सकते हैं और हाँ मैं सपोर्ट कर रहा हूँ ऑस्टिन थ्योरी का। अगर तुम इस चैनल से अगर चीज़ों को देख रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि जॉन सीना 16-time WWE चैंपियन रहे हैं और ऑस्टिन थ्योरी एक भी बार नहीं, और ऑस्टिन थ्योरी ने यहाँ पर जॉन सीना को फिनिशर दे दिया लेकिन सीना ने 2 पर ही किक आउट कर दिया। भैया ऑस्टिन थ्योरी कमाल कर रहे हैं मैच के अंदर। भालू तुम कुछ भी कह लो लेकिन एंड्रोस रहेगा ऑस्टिन थ्योरी के तरफ ही। यहाँ पे देखा तुमने किस तरह से एक फिनिशर दिया और सीना की बैंड बजा दी और यहाँ पे एक और क्लोज लाइन और यहाँ पे दे दिया एक सिग्नेचर मूव ऑस्टिन थ्योरी ने। और भाई साहब मुझे लगता है आप फिनिशर देंगे और मैच होगा खत्म। ओके सीना बच गया है फिनिशर से। एंड्रू तुमने देखा कि सीना किस तरह से फिनिशर से बचे लेकिन ऑस्टिन थ्योरी अभी भी कॉर्नर में लेके गए हैं और उसके बाद में सीना के फेस से बहुत ज्यादा ब्लड निकल रहा है और यहाँ पे देख लो लगातार फेस पे अटैक कर रहे हैं। जॉन सीना हो चुके हैं स्टन, यहाँ पर टॉप रोप पे बिठा दिया है जॉन सीना को। लगता है सुपरप्लेक्स देखने को मिल सकता है, क्या ऑस्टिन थ्योरी सुपरप्लेक्स देने में कामयाब हो पाएंगे? जी हाँ एक शानदार सुपरप्लेक्स। ऑस्टिन जल्दी पिन कर दो सीना को, बहुत ज्यादा डैमेज ऑस्टिन पिन कर रहे हैं। हाँ मेरी बात जरूर मानेंगे, मैं उनका फैन जो ठहरा। 1, 2, 3 ओके सीना ने 2 पर ही किक आउट कर दिया। लगता है ऑस्टिन थ्योरी को और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। सीना वैसे टफ कंपटीटर है लेकिन ऑस्टिन थ्योरी भी कम नहीं, यहाँ पर एक स्टैंडिंग मून सॉल्ट के लिए गए लेकिन हो चुका है रिवर्स, जॉन सीना खड़े हो चुके हैं। एंड्रू बातें बहुत हो गई, अब है ए का समय, जॉन सीना ने दे दिया है एक और ए, मैच खत्म हो गया भाई, मैच खत्म हो गया। 1, 2 ओके भाई ये कैसे किक आउट कर दे रहा है यार, मतलब
फिर से ऑस्टिन थ्योरी ने किक आउट कर दिया, लेकिन जॉन सीना जा रहा 5 नकली शफल के लिए। ऑस्टिन थ्योरी तो अब गए काम से भाई, ये दे दिया है 5 नकली शफल। हां, जिस तरह से पिछले मूव्स में किक आउट हुआ था, अब वैसे फिर से किक आउट्स हो गए। जॉन सीना ने 5 नकली शफल भले मार दिया है, लेकिन ऑस्टिन थ्योरी अभी भी इस मैच को जीत सकते हैं। जॉन सीना कॉर्नर पे लेके गए हैं, क्या करने वाले हैं सीना? एंड्रू मैं बताता हूं सीना क्या करने वाले। सीना देने वाले हैं एक सुपर एज, सुपर एक ले गए हैं और ये मैच खत्म हो सकता है। अब ऑस्टिन थ्योरी भले 2 फिनिशर पे किक आउट कर दिया, लेकिन सुपर ए बहुत ही ज्यादा डेंजर मूव है। 1, 2 और 3 और हमारे न्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बन गए हैं जॉन सीना। नहीं, ये मैं बिल्कुल भी नहीं देख सकता। ऑस्टिन थ्योरी कैसे हार सकते हैं? वो बंदे ने आज को हराया, उसे सामना किया ब्रॉक लेसनर का, उसे 7 को हराया, उसे बॉबी को हराया, वो इतना खतरनाक सुपरस्टार, लेकिन जॉन सीना ने उसे हरा दिया, ये बिल्कुल भी मैं नहीं देख सकता। मैं तो जा रहा हूँ, तुम ही ने बाय बाय कहना। ओके दोस्तों, तो एंड्रो तो नाराज हो गया है क्योंकि जॉन सीना इस मैच को जीत गए हैं और वो बन गया है न्यू यूनाइटेड स्टेट चैंपियन और रेसलमेनिया 39 के सुपर हीरो हमारे जॉन सीना। हाँ भाई, एक बार फिर से यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप को अपने कंधों पर संभाल के रखने वाले। जी हाँ, और आप लोग को भी आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा और ये व्हाट इफ सीरीज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट में बताना। और प्लीज़ जाने से पहले एक लाइक तो बनता है, तो प्लीज़ लाइक करिएगा अपने सुपरस्टार जॉन सीना के लिए। बाकी मैं भानु माले मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, जय हिंद।